आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल के किसी भी ऐप को अपडेट कैसे कर सकते हैं और ऐप को अपडेट करना क्यों ज़रूरी है। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऐप्स को अपडेट करना क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप ऐप्स का यूज करते हैं, आए दिन सभी में नए नए फीचर ऐड होते रहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने उस ऐप को पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो फ्रेंड्स, आप जब तक अपने उस ऐप्स को अपडेट नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आपके ऐप्स में वो नया फीचर ऐड नहीं होगा। फ्रेंड्स, ऐप को अपडेट करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐप को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद देखिए, अभी मेरा प्ले स्टोर ओपन हो रहा है, नेटवर्क स्लो चल रहा है। तो फ्रेंड्स, प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ अपने जीमेल पर क्लिक करिए। जीमेल पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ पर मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस, इस पर क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए अपडेट अवेलेबल, यहाँ पर क्लिक करिए। अब नीचे देखिए मेरा सभी ऐप का अपडेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको एक साथ करना है तो अपडेट ऑल पर क्लिक करिए, अगर आपको एक एक करना है तो यहाँ पर चीज़ को करना है उसके सामने क्लिक करिए। देखिए अभी होने लगेगा, मेरा नेटवर्क स्लो है इसलिए नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप किसी भी ऐप्स को अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरी YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।